दीदी ने अभी बनाया है पोहा। आप देख लो पोहा बनाया है दीदी ने, टेस्टी है और आप भी टेस्ट कीजिए गाइस। एंड टी गाइस, आप भी पी लीजिए टी का मज़ा। और आज मैं जा रही हूँ, घर के लिए निकल रही हूँ। मिस करोगे ना मुझे? यस यस, बहुत। तो गाइस दीदी तो मुझे मिस करने वाली है, क्योंकि मैं आज निकल रही हूँ यहाँ से नोएडा के लिए। तो आप रहिए मेरे साथ, आफ्टर ब्रेकफास्ट मैं निकल जाऊँगी और फिर मिलती हूँ आपको। तो मेरा जाने का टाइम हो गया है, सीरियसली आई एम रियली सैड बिकॉज दीदी के यहाँ आती हूँ तो पूरा मतलब मस्ती करती हूँ और चिल करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ पे भी मैं चिल नहीं करती, मस्ती नहीं करती, लेकिन गाइस एक तो एक बात है ना कि यहाँ पे बच्चे थोड़े कम परेशान करते हैं। मुझे कुछ बनाना नहीं होता है एक्चुअली, मुझे किचन में नहीं घुसना होता है और अभी मैं जाके बस किचन में घुसने वाली हूँ। ऐसा नहीं है कि किचन में घुसने से मुझे डर लगता है, यू नो, बट रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो अभी मैं आई यहाँ दीदी के यहाँ तो अच्छी अच्छी डिशेज भी खाई मैंने ऑब्वियसली, और अभी मैं जा रही हूँ तो सबसे ज़्यादा दुख जो हो रहा है ना मुझे उसका हो रहा है कि मुझे किचन में घुसना पड़ेगा और ताने कृष्ण फिर से परेशान करेंगे। सो फनी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा है भी डेफिनेटली। तो दीदी भी बोल रही थी तो मैं दीदी से पाया तो बोल दूँ यार, अभी मेरा जाने का भी टाइम हो गया, मेरी गाड़ी खड़ी है बाहर। मत जाओ ना यार, आज रुक जाओ। नहीं जाना तो पड़ेगा, ये तो सिर्फ शो ऑफ है कि आप ये बोल रहे हो कि मत जाओ। अच्छा नहीं लगता, अभी तो गोलू भी स्कूल से नहीं आया, क्योंकि दीदी ने अभी तो मैं तो बस नहीं दोस्तों को यही बता रही थी कि वहाँ जाके मैं किचन में घुसने वाली हूँ। ताना कृष्णा जितना भी डिशेज बनवाते हैं मुझसे, खाना बनवाते हैं, अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया है, चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी डिशेज वगैरह जो भी है वो दीदी ने बनाया। तो मेरे को सीरियसली रेस्ट मिला है। और जब अरे तो एक दो दिन और रुक जाते। नहीं अपनी दीदी, अभी आपको दोस्तों को कुछ बोलना है गाइज? अभी हम वहाँ पे मिले थे, अभी हम यहाँ पे मिले हैं, अभी हम नेक्स्ट टाइम कहाँ पे मिलेंगे आई डोंट नो। ये सीक्रेट है, ये भी एक सीक्रेट है राइट, ये भी एक सीक्रेट है। तो चलो फिर गाइज आप रहिए मेरे साथ और मैं मिलती हूँ अब आपको नोएडा सीधे। बाय बाय, मैं भी फिर आप दोबारा आ जाना। हाँ अगेन आएंगे दोस्त लोग, तो मैं तो रेडी बैठी हूँ। चलो कृष्ण रेडी हो जाओ, बैग वैग ले आओ सारे। चलो गाइज आप रहिए मेरे साथ और मैं निकलती हूँ नोएडा के लिए और मिलती हूँ आपको नोएडा में। तो जब तक आप रहिए मेरे साथ। फाइनली गाइज मैं आ चुकी हूँ नोएडा और अभी बैग भी बज रही है, मेरी लिफ्ट ओपन हो चुकी है। तुम्हारा नाश्ता आ चुका है, ब्रेड है और गर्मा गर्म टी, बिकॉज गाइज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है। मैं बाहर का भी आपको वेदर दिखा देती हूँ। तानिया तुम क्या कर रही हो? गाइज ये तानिया क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हो अपने लिए? ड्रेसेस 24 घंटे ये लड़की अपने लिए ड्रेसेस देखती है गाइज। इतना ड्रेसेस का क्या करोगे तुम? हाँ क्या करोगे इतनी ड्रेसेस का? पूरी अलमारी जमी पड़ी है। और ये भी जैकेट मेरी है, मेरी जैकेट निकाल निकाल के क्यों पहनते हो? बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं। चलो उठो और वो अपना ब्रेकफास्ट करो। क्या हो गया, सर्दी हो गई क्या? अरे मैंने बोला था कि वो कर लो, तो सर्दी हो गई है इसको, फीवर तो वीवर तो कुछ नहीं है। चलो वो करो, जाओ 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 जाओ। और ये क्या किया, ये क्या किया, व्हाट इज़ दिस? मेरा नेल पेंट? और यार चोरी चोरी चुपके चुपके मेरा नेल पेंट लगाया है। गाइज ये लड़की मेरे नेल पेंट लेती है और लगाती है, अभी तुम्हारी कोई एज नहीं है नेल पेंट लगाने की, ठीक है? ठीक है मेरा मतलब वो मत करो, अभी तुम बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, अभी नेल पेंट लगाने की नीड नहीं है। चलो नाश्ता करो फटाफट। हाँ कर रही हूँ जाके, जल्दी करो। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई है, आप देख सकते हो ये देखो कैसा धुंध है, धुंध, इतना पॉल्यूशन है ना, बहुत पॉल्यूशन है गाइज, आप देख सकते हो बिल्कुल भी धूप नहीं है, ये जितना भी है ना ये फॉग नहीं है, ये पॉल्यूशन है गाइज, इतना पॉल्यूशन है। मुझे लगा था कि मॉर्निंग में जब मैं 5 o'clock पे उठी थी कि धूप निकल जाएगी, लेकिन नो वे यार, यार ये क्या है यार, पूरा पॉल्यूशन हो रखा है यार। माय गॉड सीरियसली यार, आई कांट बिलीव दिस यार। पर वैसे भी आज मुझे जाना था थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह के लिए, लेट्स सी कि मैं जा भी पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है यार। बट मुझे टेंशन लेने की नीड नहीं है गाइस, बिकॉज आई एम ए मास्कर, मास्क लगा होगा तो पॉल्यूशन भी नोज के अंदर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा अमरूद है ये, माँ
गॉड दिस इज फॉर यू गाइज। एक्चुअली इसको मैं पता है कहाँ से लेके आई थी, इसको मैं लेके आई हूँ अभी अपने मम्मी के घर से लेके आई हूँ इसको, और ये बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। तो गाइज यहाँ पे तो पिज़्ज़ा आ चुका, आ गया, वाओ पिज़्ज़ा खाने का मन था मैडम का तो पिज़्ज़ा मंगा लिए, हैप्पी तो गाइज चुके हैं। ये आप देख रहे हो कृष्णा ताने ने फिर से डिमांड कर दी, तो अभी ये लेंगे फिर पिज़्ज़ा का मज़ा। और जैसे कि खाने से पहले हम लोग आपको ज़रूर ज्वाइन कराते हैं गाइज, मैं कराती हूँ आपको ज्वाइन। तो गाइज मैं इसको ओपन कर रही हूँ और वाओ गाइज दिस इज़ फॉर यू, खा लीजिए वरना ताने कृष्णा से बचने नहीं वाला ये पिज़्ज़ा। जो प्लांट हैं आप देख सकते हो कितने ख़राब हो गए हैं, ये तो बिल्कुल सूख गया है ये देखो। और ये है ना इस पर फिर भी ग्रीन ग्रीन लीव्स आ रही हैं अभी, तो हम थोड़ा सा मैं हैप्पी हुई हूँ कि अभी अगर इन पर ये ग्रीन हुई है तो भी ठीक हो जाएगी, बाकी तो ठीक है। अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं तो गाइज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये भी थोड़ा थोड़ा ड्राई हो गया था, सूख चुका था ये भी, बट अभी इस पर आप देखोगे ना छोटी छोटी लीव्स आ रही हैं, ये देखिए ये देखिए, और ये हो चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे जो प्लांट हैं वो बहुत ज़्यादा सूख चुके हैं, और तानिया का बर्थडे भी आ रहा है, तानिया की बर्थडे की भी तैयारी चल रही है, तो ऑब्वियसली मेरे को प्लांट के बिना तो चैन नहीं आने वाला है। तो मैं जा रही हूँ थोड़ा नर्सरी, और बहुत ज़्यादा नहीं 2 या 3 प्लांट अगर मुझे अच्छे मिलते हैं तो मैं लेके आती हूँ। एक्चुअली सोसाइटी में भी आते हैं लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो मैं नर्सरी जा रही हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ पे मुझे कौन कौन से अच्छे अच्छे प्लांट मिलते हैं। और मैं अब आपको मिलती हूँ नर्सरी में गाइस, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ और अभी मुझे पर्स लेना बाकी है बस, तो मैं आपको भी नर्सरी में मिलती हूँ। दिस इज़ माई न्यू बैग गाइस, दिस इज़ लेदर बैग, अच्छा लग रहा है आपको? ये मेरा न्यू बैग है गाइज, मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट वेट वेट, दिस इज माई न्यू लेदर बैग, कैसा लगा आपको? एक्चुअली अच्छा लग रहा है ना बैग, ड्रेस एंड ब्लैक लेदर बैग, आई लव इट, तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, नेल पेंट ब्लैक, माई बैग इज ब्लैक, माई ड्रेस इज ऑल्सो ब्लैक, एंड माई जैकेट ब्लैक एंड वाइट। तो गाइज मैं चलती हूँ अभी और मैं सीधे मिलूंगी आपको अपनी नर्सरी में। मैं नर्सरी पहुंच चुकी हूँ अभी,